पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर गन्ना की बेल्ट के नाम से भी जाना चाहता है, चाहे मेरठ हो, बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, इन क्षेत्रों में गन्ना की बुवाई अधिक होती है। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो 0238 बीज बोया जाता है उसमें काफ़ी प्रकार की कीड़ा लग गया है, वो काफ़ी नुकसान हो रहा है। हालांकि पहले बीज जो था इससे काफ़ी किसानों को फायदा होता था। इसी की उपज में अब गन्ना विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की रणनीति तैयार की जा रही है। इसी को देखते हुए उन्होंने 0238 की जगह एक नया बीज तैयार किया गया है जो कि 01523। इसी के साथ अगर हम तो 13235 और 14201 ये भी नए बीज निकाले गए हैं जिससे कि किसानों को फायदा हो सके। और देखा जा रहा है कि पश्चिम में इन बीजों की किसानों द्वारा बुवाई भी की जा रही है। ऐसे में हमारे साथ एक किसान हैं, हमसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहिए। राजकुमार जी, देखा जा रहा है कि आपने भी अपने खेतों में 01523 बोया है और आपने 35 बोया है, क्या किस तरह की है और 238 से क्या नुकसान है? 238 में सबसे बड़ी बात यह है कि 15 दिन में कम से कम एक स्प्रे या फर्टिलाइजर महंगे से महंगे डालने पड़ते हैं। उसमें आपकी बार ये भी देखना जा रहा है, हम जैसा जाते हैं अपने गाँव को तो छोड़िए, हम दूसरे गाँव में भी रिश्तेदारियों में भी जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा कमी क्या आ रही है कि ऊपर से ठुंड से होकर के और गन्ना वंका वहीं रुका पड़ा है। तो हमें ये लग रहा है कि 38 में सबसे ज़्यादा अब क्या बीमारी का क्या वो हो रहा है, बीमारी है। और हमें ये लग रहा है कि 30-40% की उपज भी कम होगी लिकाइट में। अब आता है 23 है और एक दूसरा और 01 तो हमारे पास नहीं, 23 हमने बोल लिया, 35 हम अब बो रहे हैं, बोल लिया वो भी। तो हमें तो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार से, डेवलपमेंट गन्ने विभाग से, कि 23 और 35 किसानों को अधिक से अधिक बीज दिया जा कि इससे बच सके किसानों को। एक बार एक फसल तैयार करते हैं, बच्चे की तरह फसल तैयार करता है किसान, और जब वह फसल नहीं उगती अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से उपज नहीं हो पाती मिलती, तो मायूसी हाथ लगती है। तो अब 38 में मायूसी ही लग पा रही है 2 साल से। तो किसानों को जागरूक करें और कौन सी दवाई कब डालनी चाहिए, अधिक पैदावार कब का उन्नत वो बताया जाए और अच्छे बीज लाए जा। अभी हमारी जो नई वैरायटी आई 238 वैरायटी में रेडराट और अन्य रोग ज़्यादा आने लगे हैं, 10 साल की लगभग ये फसल हो गई वैरायटी, तो इस कारण से उसको बचाने के लिए हम 238 को अब रिप्लेस कर रहे हैं नई वैरायटी से। तो 13235 है, 14201 है, ये वैरायटी अब आ गई हैं और उसका बीज हम आँख के रूप में दे रहे हैं किसानों को, जिससे उसका मल्टीप्लिकेशन हो और उसका उपयोग ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ। 238 की जगह इसको किसानों ने बोना शुरू कर दिया है, लेकिन किसानों का यही कहना है कि इसके साथ साथ अन्य समाधान भी निकाले जाएँ जिससे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की इस गन्ना बेल्ट में किसानों को फायदा हो। न्यूज 18 मेरठ से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।